नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्वार्क एक्सप्रेस पर जब पेज बना रहे होते हैं तो उसमें हमें कहीं कहीं पर लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। लिस्ट यानी कि कोई भी चीज़ हम अगर उसको नंबरिंग वाइज या फिर बुलेट लगा करके उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कैसे उसे डिस्प्ले करें, तो वो हम एक लिस्ट के फॉर्म पर डिस्प्ले करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल बताएंगे कि ये लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें नीचे रखे इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले हम क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर लेंगे। क्वार्क एक्सप्रेस ओपन करने के बाद एक पेज क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले से ही पेज क्रिएट कर रखा है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया है और अब हम इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसमें एक टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर से हम फॉन्ट चेंज करके हमने अपना एक टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। और टेक्स्ट टाइप होने के बाद हम यहाँ पर से उसको लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है और इसके बाद हमने इसे कॉपी किया है और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। इसे हम कई बार पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अगर लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर कई सारी लाइंस होंगी। अब हम इसे लिस्ट के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो आइए आपको बताते हैं। इसके लिए हमें एक बुलेट नंबर या फिर कोई भी सिंबल लेकर के हमें ड्रॉ करना होगा, एक कॉपी करके यहाँ पर डालना होगा। तो इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर पेस्ट किए और यहाँ पर से हम एक बुलेट वाला फॉन्ट होता है, इसे हम कहेंगे विंगडिंग। तो इस वेबडिंग वाले फॉन्ट को हम यहाँ पर सेट करेंगे और इस वेबडिंग के फॉन्ट पे यहाँ पर कई सारे आपको बुलेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से हमने इस बुलेट को कॉपी किया, यहाँ पर से इस बुलेट का फॉर्मेट भी हम सेट कर सकते हैं, यानी कि उसका कलर चेंज करना हुआ या फिर उसका साइज छोटा बड़ा करना। तो यहाँ पर से जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो जो भी कलर चेंज करना है या जो भी चीज़ उसमें सेट करना है तो हम पहले बुलेट को ही सेलेक्ट करके उस पर करेंगे ताकि हमें बार बार सभी बुलेट्स में ना करना पड़े। उसके बाद हम इस बुलेट का चेंज करने के बाद इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर जो भी चीज़ हमने किया है बट पेस्ट किया हुआ है बुलेट्स को, तो ये एकदम इसका जो टेक्स्ट है वो चिपक करके आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं करना है, अगर इसके बीच में हम स्पेस देते हैं तो वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये देखिए, और इस स्पेस को हमें कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस स्पेस को ही हम कंडेंस करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कंडेंस कैसे करते हैं और एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो या फिर दूसरा तरीका है कि हम नीचे वाले को एंटर करके हम जो है उसमें स्पेस दें, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस स्पेस को हम यहाँ पर कंडेंस करेंगे। तो कंडेंस करने के तरीके से हम इसको कंडेंस कर लेंगे और 10% हमने इसे इसको जो है बस छोड़ा हुआ, यानी कि 90% हमने इस स्पेस को कंडेंस कर लिया है। अब इस बुलेट को हम ले जा कर के पेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह नहीं करना है, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहे हैं। आप पहले बुलेट में, यानी कि जो आपका फर्स्ट बुलेट है, इसी में हम सारी फॉर्मेटिंग कर लेंगे ताकि आपको सभी बुलेट में ये फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। या फिर अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो फिर सभी बुलेट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर गए स्टाइल में और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट ऑप्शन। तो इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F, इस पर हम क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर और उसके नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन। तो लेफ्ट इंडेंट में हम सबसे पहले अपने फॉन्ट साइज के अनुसार यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 mm का लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर देंगे और नीचे जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर हम -3
mm के फर्स्ट लाइन स्पेस देंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि थोड़ा सा हमारा एक बुलेट एक तरफ हो गए और जो टेक्स्ट हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो बुलेट की तरफ भी टेक्स्ट है। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि 4 लेफ्ट इंडेंट देंगे टेक्स्ट में और आपका -4 फर्स्ट लाइन इंडेंट जो स्पेस है वो दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ओके करेंगे, तो आप देखेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बुलेट की तरफ नीचे की लाइन जा रही है। तो यहाँ पर हम 5 करेंगे 5 mm और नीचे करेंगे -5 mm, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे तो जैसे ही हमने अप्लाई किया हमारा टेक्स्ट नीचे वाला भी एकदम सीध में आ गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे बुलेट एक तरफ हो गए और जो टेक्स्ट है वो एक तरफ हो गया। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर हम मॉडिफाई आइटम में गए। आइटम में जाने के बाद यहाँ पर हम मॉडिफाई पर क्लिक किया और यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल इंसर्ट। दोस्तों यहाँ पर हम जो है मल्टीपल इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट और राइट में यहाँ पर 5x5 का इंसर्ट देंगे। तो जिसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ऊपर से भी अभी टेक्स्ट चिपक रहा है, तो फिर से हम जाएंगे मॉडिफाई पर और मॉडिफाई पर जाने के बाद हम टॉप में भी इंसर्ट देंगे। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ बॉर्डर देने जा रहे हैं और बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर हमने दिया 0.5 और उसके बाद अपना कलर भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पे बॉर्डर का। तो जैसे कि हम इसका कलर चेंज करके आपको दिखा दें, तो यहाँ से हमने रेड कलर ले लिया है और अप्लाई ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमने वैसे पहले बताया था कि जो ऊपर का टेक्स्ट चिपक रहा है, तो यहाँ आइटम में गए, मॉडिफाई पर गए और फिर से हमने इंसर्ट पर किया, यहाँ पर ऊपर हमने इंसर्ट देना हो। तो टॉप में इंसर्ट जो भी हम देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट ना चिपके ऊपर, तो हमने 5 का इंसर्ट दिया और यहाँ पर देखेंगे कि चारों तरफ से हमारा इंसर्ट हो गया और लिस्ट क्रिएट होकर आ गई। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं और आपकी एज इट इज ये लिस्ट तैयार दिखाई देगी। तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और आप अपने पेज पर लिस्ट बना करके अपने पेज की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट वाले बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो के संबंध में अगर कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की करनी, आप हमारे चैनल के इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना जरूरी होता है और जो भी हम जानकारी देते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी हुई जानकारी को आप बिल्कुल मिस मत करिए क्योंकि हम हर वीडियो में हर एक नई जानकारी आप तक लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज टेक्निकल अलायंस को भी हमारे लाइक कर लीजिएगा, उसे भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।